हमारी आवाज ना? हेलो। यस सर, हाँ ठीक ठीक चलो। तो यस सर, चलिए ये वाला देखिए, एच वाला सेवन टू जा 14 के 4 कैरी 14, वन, 14 के 4 हो गया आपका, ठीक है, और वन कैरी हो गया। सेवन एट जा 56, 56, वीडियो नहीं आ रही है, 56, 56, 56 और 57, 57, 7 कैरी 5, 97 जा, 97 जा, 16, 97 जा, सर 62, 72, नो 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 सर नो, 97, गुड, 63, 63 प्लस 5 इज इक्वल टू 63 प्लस 5, 68, 68 का लिखा, आपका कैरी हो गया, ठीक है। फिर 64 जा, 74 जा, 74 जा, 74 जा, 28, 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6, हाँ बताइए, दुर्गेश यस सर, कितना हुआ? बहुत इजी है बेटा, 28 प्लस 6 प्लस करना है, 34, वेरी गुड, 34, तो हमने 34 पूरा लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस आप 6 से करेंगे, 6 टू जा, 6 टू जा 12, हाँ 12 के 2 कैरी आपका 1 है ना। फिर 6 8 जा 48 प्लस 9 1, 49, 9 के 49 के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब है 6 9 जा, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4, 54 प्लस 4, 58 का 8 हमने लिखा, अब कैरी हो गया, ठीक है। अब 64 जा, 64 जा 24 प्लस 5, 27 प्लस 5, 29, नो नो 29, 29 हमने लिख दिया। अब इसको हम कर देंगे जैसे कर रहे थे, 4 प्लस 4 7 टू 9 8 और 9 17, 7 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 3 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 9 फिर 13, 3 कैरी 1, 1 और 2 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 333794, ये आपका आंसर है, ठीक है, 333794। देखिए 4 डिजिट का हो गया, 2 डिजिट भी बता दिया, 4 का आपने पूछ लिया, अब बारी आती है 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट के 4 क्वेश्चन इसमें है, ए डी ई एफ, डी ई एफ में कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। डी ई एफ में अभय दुबे, आयुषी, नो सही वाला, ई वाला, हाँ सर ई वाला, ई 80678, यस सर 80678, ये आपका ई वाला। चलिए 3 डिजिट क्या है किसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल इजी है, जब 4 डिजिट का आपने कर लिया तो 3 तो और भी इजी हो जाएगा, है ना। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 48, 48 का 8 हमने लिखा, 4 कैरी कर दिया, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब सर 8 सर 0 ही लिख देंगे, क्यों और कोई, अभय आप बताइए, आयुषी आप बताइए, सर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही, देखो ब्लैक आ रहा सर एकदम, बेटा तुम्हारे वहां पे वो होगा ना,
अब है सर वो जो कैरी गया था मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर 4 ही लिख देंगे जो 48 था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ही हम लिखेंगे। 4 हम क्यों लिखेंगे देखो ये भी बता दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले कई बार बताया है कि किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जीरो हो जाता है, चाहे जीरो से किसी में करें या किसी भी नंबर का जीरो में करें, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो जब हमने 8 से जीरो में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 भी जीरो हो गया, वो अब यहाँ पर टोटल जीरो हो रहा था तो कुछ बचे ही नहीं, तो हमने यही 4 यहाँ नीचे उतार दिया। तो ठीक है ये सब याद रखना। उसके बाद 8 जा 64, ठीक है ना, प्लस Yes, sir. फिर 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 7 6 30 टेबल नहीं आती है, 6 की टेबल 7 बार पढ़ लो या 7 की टेबल 6 बार। हाँ सर 42 होगा, 42 7 6 जा 42, तो यहाँ पर 2 हमने नीचे लिख दिया, 4 आपका कैरी हो गया। फिर वही सिचुएशन आई 7 0 में 0, तो वही 4 हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है अब 7 का 8 से करेंगे तो 8 into 7 8 7 जा 8 7 जा 49 ना टेबल नहीं आती क्या भैया, कैसे पढ़ रहे हो मैथ? 56 हाँ पापा बता रहे पीछे से 56 ठीक है। चलो अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है 8 + 8 4 + 2 6 4 + 4 8 6 + 6 = 12 12 का 2 हो गया कैरी 1 हो गया 1 और 5 6 हो गया। ठीक है ये आपका आंसर हो गया 62868। ठीक है और yes, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को, अगर आ गया हो तो फिर आगे बढ़ जाए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ इसको खत्म कर दूं चैप्टर। नो सर। ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका पेपर भी होने वाला है हाफ ईयरली का 10 तारीख के बाद से। ठीक है तो उस टाइम टेबल आजकल में आपके पास आ जाएगा, हो सकता है मे भी आज ही आ जाए आगे कल में। और ये 4th चैप्टर है आपका, यहीं तक आएगा पेपर में। ठीक 6th चैप्टर चल रहा है ना, 6th चैप्टर तक आएगा। यस अब देखिए एक इसमें और दिया हुआ है नीचे दिया, इसका सेकंड ऊपर बन वाला था, सेकंड है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द इसमें क्या डिफरेंस है, सब कुछ सेम वही है। इन्होंने इसमें क्या कर दिया है 1908 इंटू 39 पोजीशन में लिख दिया है। ठीक है इसको इस पोजीशन में सॉल्व करना है, तो इस पोजीशन में सॉल्व करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा टफ लगता है किसी से बच्चों को, तो हम लोग इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है इसको कॉलम में कर लेंगे। कॉलम में करने के लिए 1908 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 39 इंटू। ठीक है ये हमने कर दिया, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग कर रहे थे इसको। ठीक है 8 से 9 में आप मल्टीप्लाई करिए, 9 से 8 सर 72 हाँ तो हो जाएगा आपका 72 72 में 2 हमने यहाँ लिख दिया, 7 आपका कैरी हो गया। ठीक है ना अब उसके बाद यस अब बताइए सर 7 ही लिख देंगे, 7 ही लिख देंगे। हाँ 2 है तो भाई 7 ही हमने उतार दिया। ठीक अब 99 81 कर दिया। ठीक है फिर 9 1 9 9 और 8 कितना हो गया सर 9 8 17 17 तो हमने 17 लिखा। ठीक है फिर प्लस अब हम 3 से करेंगे, 3 8 24 24 का 2 4 का 2 हमने कैरी ऊपर ले लिया है। ठीक है अब
फिर वही टू आपका नीचे उधर आएगा। यस सर। और उसके बाद 9 × 3, 3 9 जा या 9 3 जा, कितना होगा? 27 का 7 हमने लिखा, हमने ऊपर कैरी कर दिया, 3 बन जा 3, 3 × 2 = 5। हाँ, इसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 हो गया 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी 1, 1/2, 2/2 = 4, 7 × 7 = 14 के 4 कैरी 1, 1/2, 2/5 = 7, ठीक है, 7 4 4 1 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। यस सर। चलो। यस सर। इसी तरीके से सारा है। यस सर। अगर एक आध कोई और पूछना चाहो तो पूछो, नहीं हम सोचे 6.3 करके खत्म करें, आज टाइम कम है। सर 6.3 करवाइए। कोई ठीक है, 6.3 में आ जाइए क्योंकि हाँ क्या हुआ? Yes, sir. ये सब क्वेश्चन जरा ध्यान से लीजिएगा, है ये पेपर में आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, ठीक है, देयर आर 144 बॉल पेंस इन अ कार्टून एंड आर देयर इन 85 कार्टून। क्वेश्चन आपका है कि देयर आर 144 बॉल पेंस इन अ कार्टून, एक कार्टून है जिसके अंदर 144 बॉल पेंस आपके हैं। बॉल पेंस में पेन होता है जो रिफिल वाला पेन होता है, उसको बॉल पेन बोलते हैं। तो एक कार्टून के अंदर आपके कितने 144 पेंस हैं, तो हाउ मेनी बॉल पेंस आर देयर इन 85 कार्टून्स। तो कह रहा है कि 85 कार्टून्स में कितने बॉल पेंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब दो बिंदी ऊपर रहेगी, दो डॉट दिख रहा है और एक डॉट नीचे, इसका मतलब होता है चूंकि, ठीक है, दो डॉट ऊपर रहेगा और एक डॉट नीचे, इसका मतलब होता है चूंकि। चूंकि को हम लोग इस तरह से लिखते हैं मैथ में, चूंकि एक दो वन कार्टून हैव 144 बॉल पेंस, ठीक है। कह रहा है कि चूंकि एक कार्टून में 144 बॉल पेंस हैं, इसलिए कितने बताया है हमको 85। अब यहां पर लिख देंगे हम बॉल पेंस 144 × 85, ठीक है। yes. दिख रहा है नीचे, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, नहीं लिखोगे तो भी सवाल चल जाएगा, पर स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे जब और बड़ी क्लास में जाओगे तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और इससे अच्छा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जितना स्टेटमेंट लिखोगे उतनी पता चलता है कि उसने बहुत ही अच्छे ढंग से इस सवाल को सॉल्व किया। तो अब इसको हमने लिख दिया, अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि 144 बॉल पेंस एक कार्टून में है, तो 85 कार्टून बॉय कितने पेन होंगे। तो बिल्कुल इजी है, एक में 144 है तो 85 में कितने होंगे, 85 से 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
तो 5 4 जा कितना होगा 20 का 0 कैरी 2, ठीक है, फिर 5 4 जा 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 प्लस, अब 8 से क्या रहेंगे, 8 4 जा 8 4 जा 32 का 2 कैरी हो गया आपका 3, ठीक है, 8 4 जा फिर 32 33 और 3 35 फाइव कैरी हो गया 3, 8 बन जा 8, 8 और 3 11 हमने लिख दिया, अब हम उसको ऐड कर देंगे 0 प्लस 0 2 2 4 और 7 5 12 12 के 1 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 1 2 2 4 0 ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 0 है ये, 0 था ना ये, 0 यस सर, समझ में आया ये वाला, यस सर समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम का था ये, हाँ कर दे तू उतारना है, नो सर नो सर, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसमें का, ठीक है एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हैं, ठीक है, या हम समझा देते हैं आपको, एक और बता दूंगा समझ भी लो उसको, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ रेलवे कोच कैरीज 75%, एक रेलवे की कोच है जिसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, 75 लोग को वो कैरी कर रहा है वो कोच, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन विल बी कैरीड इन 335 कोचेस, तो कितने लोग 335 कोचेस में आएंगे कैरी होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जब चूंकि एक में 75 हो रहा है तो 335 में बिल्कुल इजी है कि 335 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हाँ ये 335 को 75 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होल सेलर हैज 12543 टिन्स ऑफ ऑयल इन अ स्टॉक, ठीक है, 12543 टिन्स जो है ऑयल की एक होल सेलर ने स्टॉक में रखा हुआ है, इफ ईच टिन हैज 15 केजी ऑफ ऑयल हाउ मच ऑयल इज देयर इन ऑल, अगर एक टीन में 15 किलो तेल है तो ये जितनी भी टीन है उसमें कितने तेल आपके होंगे, तो ये बिल्कुल ही इजी ये भी है कि जो आपका दिया है 12543 इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाँ अगर एक केजी में एक टीन में 15 किलो तेल है तो चाहे जितनी भी टीन हो 10 टीन हो 12 टीन हो 15 टीन हो 1000 टीन हो सबको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस सर हाँ, इसी तरह से अ बैग कंटेंस चौथा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेंस 980 केजी व्हीट, एक बैग है ना बोरी जिसके अंदर 98 केजी व्हीट 98 किलो गेहूं आते हैं, फाइंड द मास ऑफ व्हीट इन इतना सच बैग्स 10,050 बैग्स, तो 10,050 बैग्स में कितने गेहूं होंगे कितने किलो ये आपको बताना है, क्योंकि एक में 98 किलो है तो ये 10,050 में 10,050 को हम 98 से 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका भी आंसर, यानी टोटल सब में मल्टीप्लाई करना है जितने भी क्वेश्चन है सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दूसरा वाला हम बता देते हैं, 5 5 जा 1 कर लो उसके बाद खत्म कर देते हैं, 5 5 जा 35 के 5 कैरी 3 7 3 जा 7 3 जा 21
21 प्लस 3 प्लस 3 24 4 लिखा 24 2 कैरी कर दिया फिर 7 3 जा 23 है ना अब इसको ऐड कर देंगे 5 प्लस 5 7 5 5 22 कैरी 1 और 6 7 7 4 11 1 कैरी 1 1 और 1 2 2 3 5 और ये 2 5 1 2 5 ठीक है ये आपका आंसर आ गया ठीक है क्वेश्चन आपका था तो इतने लोग बैठेंगे 365 जो 335 डिपोजिट जो इन्होंने बताए हैं इसके अंदर कितने परसेंट बैठेंगे 25,125% बैठेंगे इसके अंदर कैरी करेगा ये ठीक है ना चलिए सारे क्वेश्चन वो हैं मल्टीप्लाई के हैं मल्टीप्लाई आप लोग आ ही गया अच्छे से ये चैप्टर पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है यहाँ पे अब नहीं हुआ yes, आपका डिवीजन 7 रहेगा यहाँ पे अलग बात पढ़ाई होगी हाँ पूछो सर क्लास फर्स्ट का मतलब कि 12 बजे होगा क्लास हाँ 12 बजे उनकी क्लास होगी ठीक है सुबह हो नहीं पाई थी ना यस सर Yes. तो अब इसकी तैयारी करिए 10 तारीख बाद आपका पेपर है इस चैप्टर से ही आएगा सर ठीक है नेक्स्ट थर्सडे हम एक बार रिवीजन करेंगे जो मतलब नहीं आएगा ठीक है लास्ट तक हम करते बेटा आज की पे चलो ठीक है ओके गुड बाय थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर